सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रहा है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आतंकी संगठन के निशाने पर हैं। इसके अलावा देश भर के 30 शहर और कई एयरपोर्ट भी निशाने पर। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का बदला लेना चाहते हैं। जैश ए मोहम्मद के शमशेर वानी ने हमले की धमकी भी दी है। इस आतंकी संगठन को सितंबर महीने में हमला करने की योजना है। शमशेर वानी की धमकी के मुताबिक जैश ए सितंबर महीने में साजिश को अंजाम दे सकता है। शाहजहांपुर केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की पर चिन्मयानंद से उगाही करने का आरोप था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद लड़की और उसके तीन साथियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद लड़की को मेडिकल के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी छात्रा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से नवाजा गया है। पुरस्कार उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। पीएम मोदी को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर खुद बिल गेट्स आए और इस दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता की अहमियत को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छता की दिशा में कीर्तिमान स्थापित किया है। WHO के मानकों को पूरा करते हुए देश को करीब 100% खुले में शौच मुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 साल में देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा सका। इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले जहां गांव में सफाई का दायरा 40% से भी कम था, आज वो बढ़कर करीब 100% पहुंच रहा है। साथ ही पीएम ने दावा किया कि स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी किसी भी आंकड़े से ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच को न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें फादर ऑफ इंडिया कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विरोध किया। आज पीएम मोदी बिजनेस जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे पीएम मोदी ग्लोबल बिजनेस फॉरम को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कई कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमी पर रहेगा। अमेरिका में बिजनेस जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल से मिलेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी आर्मेनिया के पीएम निकोल पश्चिम, न्यूजीलैंड के पीएम जेकिंडा अर्जन और एस्टोनिया के राष्ट्रपति केटी कल जुलेत के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी को लेकर चर्चा की जाएगी, जिस दौरान मंदी और बेरोजगारी से निपटने के लिए उपायों को लेकर भी विचार होगा। कश्मीर मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब हताश होकर हार मान ली है। इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अपनी कोशिशों में नाकाम रहा है और इमरान खान ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बेहद निराश है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट ने काफी मुश्किल से प्लेन से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं हादसे में विमान दलदल में जाकर गिर गया। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और क्रैश के पीछे की वजह की जांच पड़ताल की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। इस मीटिंग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और सुभाष बराला के साथ अनिल जैन, सुरेश भट्ट समेत कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद हैं। वहीं दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक होगी। ये बैठक करीब 3 बजे शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता कैप्टन अजय यादव करेंगे। इस मीटिंग में कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव की रणनीति पर मीटिंग में चर्चा की जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रह रहे किराएदारों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली में किराए पर रह रहे लोगों को प्रीपेड मीटर मिल सकते हैं, तो वहीं किराएदारों के घर पर प्रीपेड मीटर्स की होम डिलीवरी भी की जाएगी। वहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होती है तो मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के बयान को दरकिनार करते हुए कहा कि एनआरसी का मतलब नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, ना कि दिल्ली सिटीजन रजिस्टर। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक से जुड़े घोटाले के मामले में ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर केस दर्ज किया है। शरद पवार के साथ ही उनके भतीजे और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन बैंक से जुड़े 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये घोटाला 25,000 करोड़ रुपए का है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पहले मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब इसके बाद ईडी ने यह केस दर्ज किया। ईडी के मुताबिक इस स्कैम में कॉरपोरेटिव बैंकों के कई मैनेजर भी शामिल थे। ईडी के केस दर्ज करने के बाद शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। पवार ने तंज भरे लहजे में कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और अब अगर उनको जेल जाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको खुशी होगी कि अगर जेल भेजने की योजना बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीटों की रस्साकशी को जारी है और इस तनातनी के बीच गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपना मुंबई दौरा फिलहाल रद्द कर दिया। इस बीच शिवसेना ने सेना प्रमुख से कश्मीर को हालातों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने साफ कहा है कि सेना प्रमुख को ऐसे वक्त में राजनीतिक लाभ लेने वाले इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में 31वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी अपने बयान से पलटते हुए नजर आए। जिलानी ने कहा कि वो राम चबूतरा को जन्म स्थान नहीं मानते बल्कि ऐसा हिंदुओं की आस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि फैजाबाद के जिला जज ने भी यह टिप्पणी की थी कि वो सिर्फ मानते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में ही कहीं हुआ था। इससे पहले मंगलवार को 30वें दिन की सुनवाई में जिलानी ने बयान दिया था कि हिंदुओं के दो पवित्र ग्रंथों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस बात का सटीक जिक्र नहीं है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है। जिसके बाद कोर्ट ने पूछा कि भक्तों को इस बात को मानने से क्यों वंचित किया जाए कि भगवान राम का जन्म एक खास स्थान पर हुआ था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी से सवाल कर रहे थे। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। साक्षी ने मंगलवार को एटा में कहा कि राम मंदिर की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और उनको लगता है कि आने वाली 6 दिसंबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रचार न करने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही प्रियंका गांधी ने इस बार उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगी। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कभी भी उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं जाता है। ये उपचुनाव स्थानीय मुद्दे पर हो रहे हैं, इसलिए प्रदेश के नेता ही उपचुनाव में प्रचार करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को सीधे संवाद किया। इस दौरान सीएम ने मुस्लिम महिलाओं को विकास कार्यक्रम से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात से नवाजा। प्रोग्राम में प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं शामिल हुई, तो इनमें वो महिलाएं भी शामिल हो रही जिन्होंने 3 तलाक कानून पारित होने पर जश्न मनाया। लखनऊ के बाद अब ताज नगरी आगरा के सिपाही का टिकटॉक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। है थाना आगरा फोर्ट जीआरपी में तैनात ये टिकटॉक वाला सिपाही, जहां सोशल मीडिया में वायरल वीडियो का लोग आनंद उठा रहे हैं। वहीं वर्दी पहने सिपाही का टिकटॉक वीडियो वायरल होने पर पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
संभल में दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं हादसे में चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लोगों के मुताबिक हादसा ओवरटेक करते वक्त हुआ था। हादसे में शिकार लोगों ने नहीं लगाया था हेलमेट। झांसी के मऊ रानीपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते दो गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से गांव में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। गांव के लोग घर में दुबकने के लिए मजबूर। संभल में एसआईटी की जांच में 11 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में हेराफेरी पाई गई, जिसके बाद नोटिस दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद 11 टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में शख्स ने विद्यालय के प्रिंसिपल पर उसके चार बच्चों को स्कूल से निकालने का आरोप लगाया है। शख्स का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसके बच्चों को ये कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया कि तुम लोग दलित हो। वहीं प्रिंसिपल का ये कहना है कि फीस जमा नहीं होने पर उन्हें बाहर निकाला गया। रुड़के में दाबकी गांव में पशु चोरी के शक में गांव के लोगों ने शख्स की खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं शख्स की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। वहीं खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके अलावा वीडियो के आधार पर पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष श्यामलाल मांडी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव और शहरों में जनता से जनसंपर्क साध रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक वो 45 गांव का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। पार्टी के प्रति भी जनता में काफी उत्साह है। श्याम मांडी ने बताया कि युवा उनकी पार्टी से ज्यादा संख्या से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पंचकुला की सुधा भारद्वाज को हरियाणा महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद सुधा भारद्वाज के घर पर कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बधाई दी। पंचकुला के सेक्टर 6 में उनके घर पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा और अब तक सुधा भारद्वाज पहले वरिष्ठ उप प्रधान और मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम देख रही थी। उन्होंने अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव का आभार व्यक्त किया। बीजेपी नेता रामपाल माजरा ने कैथल अंबाला रोड पर आरकेएम पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी बदलने के बाद पहली बैठक की। इस मीटिंग में जिसमें रामपाल माजरा ने बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले के बारे में कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो इस दौरान रामपाल माजरा ने कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। जींद जिले में एक तेज रफ्तार टैंकर ऑटो पर चढ़ गया। दर्दनाक हादसे में ऑटो में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक हिसार से सेना में भर्ती का एग्जाम देकर लौट रहे थे। करनाल के उच्चानी गांव में सिवरेज के लिए खोदे गए खड्डे में मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि मजदूर को निकालने के लिए करीब 1 घंटे तक लोगों ने कोशिश की लेकिन तब तक मजदूर दम तोड़ चुका था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मामले की जांच की जा रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 130 रन का स्कोर बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम को 119 रन पर ऑल आउट कर दिया। एमएस धोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। धोनी अपने इंस्टाग्राम पर गली क्रिकेट का वीडियो शेयर किया है जिसमें बल्लेबाज बोल्ड होने के बावजूद इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि वो आउट है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर बताया कि पीठ के निचले हिस्से में मामूली फ्रैक्चर की वजह से वो टेस्ट सीरीज से बाहर है। तो आगामी टेस्ट सीरीज में बुमराह के बाहर होने के बाद अब भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव को लंबे वक्त के बाद टीम में शामिल किया गया। उमेश को इस सीरीज में बुमराह के चोटिल होने के बाद विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया। भारत के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने कहा है कि ऋषभ पंत पर दबाव बनाकर उनकी मानसिकता को समझते हुए उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकलवाने की जरूरत है। पंत को
हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। पंत को शुरुआत में धोनी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उनके खराब प्रदर्शन ने टीम की चिंताओं को बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच 8 दिन बाद अच्छी खबर मिली है। आज पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल सऊदी अमरीकों को तेल भंडारों पर हुए हमले के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। राजधानी दिल्ली में पिछले 8 दिन में पेट्रोल की कीमत 2.10 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.54 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने त्योहारी सीजन में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स एक्स शोरूम दाम में 5,000 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया है। कंपनी ने जिन मॉडल की कीमत में कटौती करने का फैसला किया उनमें अल्टो 800, अल्टो के 10 लीटर डीजल, सेलेरियो बलेनो डीजल और इंगन्स डिजायर डीजल और टूर एस डीजल, विटारा ब्रेजा और एस क्रॉस शामिल है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने डिजिटल बैंकिंग ऐप यूनो का ग्लोबल वर्जन मार्केट में उतारा है। ब्रिटेन में अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए बैंक ने यूनो ग्लोबल ऐप पेश किया है। बैंक की तरफ से स्टेटमेंट के मुताबिक लंदन में ब्रिटेन इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर एक कार्यक्रम में इस ऐप का ग्लोबल वर्जन पेश किया गया है। तो बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने ये ऐप पेश किया। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में फेस्टिवल सीजन और बिग बिलियन डेज सेल के लिए बड़ी हायरिंग की गई है। तो कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसकी तरफ से देश भर से करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया गया है जो कंपनी की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट का कामकाज देखेंगे। फेस्टिवल सीजन के दौरान बड़ी तादाद में सामानों की बिक्री होती है और ऐसे में डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, पैकेजिंग समेत कई तरह के काम के लिए लोगों की जरूरत होती है और ऐसे में कंपनी की तरफ से हर साल ऐसी हायरिंग की जाती है। फोर्ब्स ने दुनिया की 250 सबसे सम्मानित कंपनियों की इस साल की लिस्ट जारी की है। इसमें देश की आईटी कंपनी इंफोसिस तीसरे नंबर पर है, अमेरिका की ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा टॉप पर और इटली की कार कंपनी फेरारी दूसरे नंबर पर है। तो वहीं इंफोसिस ने इस साल 28 पायदान की छलांग लगाई है। पिछले साल इंफोसिस 31वें नंबर पर थी। IRCTC नवरोध के दौरान अपने 12.5% शेयर बेचने जा रही है। IRCTC को उम्मीद है कि इससे वो 600 करोड़ रुपए जुटा लेगी। इन शेयरों को बिक्री SEBI के नियमों के मुताबिक होगी। नियमों के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर एक निवेशक का अधिकतम 2,00,000 रुपए के शेयर खरीद सकता है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई सीमा नहीं होगी। IRCTC का ऑथोराइज कैपिटल 250 करोड़ रुपए का है, जबकि इसका पेड एप कैपिटल पिकअप कैपिटल 150 करोड़ रुपए का है। फिलहाल इस कंपनी की वैल्यू करीब 7500 करोड़ रुपए की है। फिल्मेकर ऋषिकेश मंडल इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल पर बायोपिक बनाने की तैयारी में है। रानू की बायोपिक के लिए साउथ की एक्ट्रेस सुदीप्ता चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया है। इस बात को कंफर्म करते हुए सुदीप्ता चक्रवर्ती ने बताया कि मुझे फिल्म ऑफर हुई है, हालांकि अभी मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट मिलने बाकी है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मैं तय करूंगी कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं। एक्टर अमिताभ बच्चन को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की अनाउंसमेंट होने के बाद बिग बी ने ट्विटर पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए फोटो शेयर की है। कैप्शन में लिखा है, कृतज्ञ हूं मैं, परिपूर्ण आभार और धन्यवाद। मैं सिर्फ एक विनयपूर्ण विनम्र अमिताभ बच्चन हूं। हाउसफुल 4 का मोशन पोस्टर शेयर करने के बाद मेकर्स ने मूवी का पोस्टर शेयर किया है। मेकर्स ने एक साथ 2 पोस्टर शेयर किए हैं। दोनों ही पोस्टर अक्षय कुमार के हैं। पोस्टर्स में ये क्लियर हो गया है कि फैंस को फिल्म में डबल रोल के साथ कॉमेडी का डबल डोज मिलेगा। साथ ही आज हर घर से हाउसफुल 4 का नया नया पोस्टर शेयर किया जाएगा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। सलमान खान को यह धमकी फेसबुक के जरिए दी गई है। ये धमकी गैरी शूटर नाम के आईडी से दी गई है। इस पोस्ट में धमकी देने वाले यूजर ने सलमान की तस्वीर शेयर करते हुए उसे रेड कलर से क्रॉस कर रखा है। गैरी शूटर ने पोस्ट में लिखा है कि सलमान, सोचो तुम खुद को भारतीय कानून से बचा सकते हो। विष्णु समाज और सोपू पार्टी ने तुम्हारे लिए मृत्युदंड की घोषणा की है।
सैफ की फिल्म लाल कप्तान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। नागा साधु के दमदार रोल में छोटे नवाब को सभी खूब पसंद कर रहे हैं, पर फिल्म मेकर्स की एक गलती की वजह से मेकर्स को ट्रोल भी किया जा रहा है। फिल्म मेकर्स ने ट्रेलर में प्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, जिसकी वजह से मेकर्स को ट्रोल किया जा रहा है।